जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। एक तुलसी के पत्ते से तीव्र सम्मोहन, अब तीव्र सम्मोहन सुन करके, और एक बात तो सत्य है कि व्यक्ति सुनकर चौंक जाता है, और वो भी एक तुलसी के पत्ते से। इतना सरल उपाय कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये उपाय ही नहीं, जीवन भी बहुत सरल हुआ करता है। हम स्वयं इसे टेढ़ा बना लेते हैं और हम पूरे जीवन भर उस टेढ़े मार्ग पर ही चलते रहते हैं। जीवन के अंत में पूछ लिया जाए कि क्या खोया, क्या पाया, क्या प्राप्त किया, तो केवल एक ही बात निकल करके सामने आएगी कि जीवन में सोच विचार चिंताओं के सिवा हमने कुछ ग्रहण नहीं किया। बस जीवन भर सोचते रहे और चिंताओं में व्याप्त रहे, तो जीवन बहुत आसान हुआ करता है। उपाय भी बहुत आसान हुआ करते हैं। आप यदि यह छोटे छोटे मार्ग अपनाएंगे तो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे। और मैं सम्मोहन की बात ही नहीं करता, सम्मोहन के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ने लग जाएगी। कोई बच्चा यदि कमजोर है तो वह जब पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि भी प्रखर हो जाएगी, याद रहने लग जाएगा, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ने लग जाएगी। सम्मोहन शक्ति तो प्राप्त होगी ही होगी। आप इस शक्ति के द्वारा आप अपने बड़े से बड़े काम निकाल सकते हैं और इस जीवन को सुगम सरल बना सकते हैं। यह सब होगा कैसे? बस दोस्तों, आपने रोजाना एक तुलसी का पत्ता खाना है, स्नान आदि करके यह तुलसी का पत्ता तुलसी के पेड़ से ग्रहण करना है, और इसे हाथ में लेकर के अपना आँखों को बंद करके इस मंत्र को पढ़ना है। अपने हाथ में पत्ता लिया, अपनी मुट्ठी में इस प्रकार से रख लिया, आंखें बंद करके ओम ह्रीम ह्रौं क्रों खड्ग त्रिशूल हस्तधारिणी देवी कामाख्या नमो नमः। बस दोस्तों, इस मंत्र को बोलना है। अब इस मंत्र को आपने तीन बार बोलना है, तीन बार यह मंत्र बोल, यही मंत्र, इसी मंत्र को तीन बार बोल करके आपने इस पत्ते को मुख में रखकर खा लेना है। सही ढंग से नहीं खा पाते हैं तो थोड़ा पानी ले लें, उसके साथ में अंदर भी चला जाएगा। अब बात आएगी कि क्या तुलसी का पत्ता हम जिस दिन वर्जित है, जैसे रविवार को नहीं तोड़ते हैं, और भी कोई अपने बहुत से नियम बना रखे हैं, पर खैर मैं उस विषय पर नहीं जाता हूँ। जिस दिन वर्जित हो उस दिन का भी पहले दिन ही तोड़कर रख लेना, तुलसी दल बासी नहीं होता है। और
अगले दिन स्नान आदि करके उस पत्ते से अपना यही हाथ में रख करके 3 बार मंत्र यह पढ़ करके माँ कामाख्या के खा लेना। कम से कम प्रयोग 21 दिन का है, 31 दिन भी करें, 41 दिन भी करें और इससे ज़्यादा दिन भी करें, जितना करेंगे उतना ही आपको इसका चमत्कार दिखाई देने लग जाएगा। अब यह चमत्कार कैसे देखेंगे तो यह आपको करना पड़ेगा। आप इसे करेंगे तो आप की जो सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी, आप जिससे कोई बात करेंगे आपकी बात को सम्मानने लगेंगे। आपको यदि कोई बात याद नहीं रहती है तो स्मरण शक्ति भी बढ़ने लग जाएगी। कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसे करेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। फिर अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना, पहले आप करके देख लेना। पर आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।